सभी प्रेमी योग के जिज्ञासुओं का, योग के प्रेमियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के भारतीय समाज में, भारतीय प्राचीन काल में योग विज्ञान कितना चरम सीमा पे था, कितने उन्नत अवस्था में था। और आज योग का, योग संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, योग विज्ञान का लगभग पतन हो गया है। आप लोग सोचेंगे ये कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जिसे योग कह रहे हैं, योग विज्ञान समझ रहे हैं, जैसे कि हाथ पैरों की तोड़ मोड़ है और एक बंदर की तरह उछल कूद करना है, तो ये योग नहीं है, ये योग नहीं है, ये योग के आसन है। योग के आसन अब विभिन्न मुद्राएं हैं, विभिन्न आसन हैं, तो इन्हीं विभिन्न मुद्राओं और विभिन्न आसनों के प्रयोग करने से पहले, जिसको हम लोग योग कहते हैं, योग विज्ञान कहते हैं, वो सब तो लुप्त हो चुका है या फिर गुप्त हो चुका है। आज हमारे भारत में जो सच्चे योग के जिज्ञासु हैं, उनके लिए सच्चे गुरु, सच्चे योगाचार्यों से मेल मुलाकात ही नहीं हो पाती है, जिस कारण उनका सत्य का अनुसंधान जो योग के माध्यम से करना चाहते हैं वो सब भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है या अवरुद्ध हो गया है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, हो सकता है कि आपके सामने, आपकी नज़र में मैं अलोकप्रिय भी हो जाऊं। जो शब्द, जो सेंटेंस, जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद आप लोगों की धारणा मेरे खिलाफ़ भी हो सकती है, लेकिन मैं इस सत्य से अवश्य आपको परिचित कराऊंगा। 99% भारतीय संस्कृति का, योग विज्ञान का जो सत्यानाश किया है, वो हमारे भारत के लगभग 99% साधु महात्माओं ने ही किया है। हमारे योग विज्ञान में, योग दर्शन में विभिन्न प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, जैसे बैठे बैठे दूर का देख लेना, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, दिव्य दर्शन कहते हैं, बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से कोशों दूर बैठे व्यक्ति को अपनी सूचनाएं भेज देना, अपने विचारों से अवगत करा देना और उसकी सूचनाओं को प्राप्त कर लेना। लेकिन इन सब जो विधाएं रहें, यहाँ तक कि अपने योग विज्ञान में, भारतीय योग विज्ञान में ऐसी विधाएं रही हैं जिनका वर्णन आज केवल पुस्तकों से ही, पुस्तकों में ही मिलता है और पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। जैसे कि परकाया प्रवेश की भी सिद्धि है, और माने कि अपने शरीर से
अपनी चेतना को निकाल के, अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल के, अपनी एस्ट्रल बॉडी को निकाल कर एक मुर्दे के शरीर में डाल करके उसको सजीव कर देना। शरीर को इतना हल्का किया जा सकता है कि वो पानी पे भी तैर सकता था, आकाश में भी उड़ सकता है, लेकिन आप दूसरों के मन की बात को समझ सकते हैं। काभ्यो ज्ञानम, माने नाभि केंद्र पर एक संयम करने से शरीर की रचना का पता चल जाता है। एक खेचरी मुद्रा होती है जिसके प्रयोग करने से आकाश गमन कर लेता है साधक, आकाश में विचरण कर सकता है। और सारी विधियों के ऊपर तो मैं बाद में बताऊंगा, प्रकाश डालूंगा, लेकिन जो आज का चर्चा है, विषय है, इतने सब विद्याएं रही हैं, इतना योग विज्ञान में पावर रहा है, शरीर को अदृश्य कर लेना योग की साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, कहीं भी आप पल भर में पहुंच सकते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देंगे, यह योग विज्ञान रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप लोग भी वो सवाल पूछिएगा, आप लोग भी वो सवाल पूछिएगा अपने आप से, अपने आसपास के जिज्ञासुओं से, साधकों से, के इतना सब विज्ञान था हमारे यहाँ पर तो वो कहाँ गया। उसका मुख्य कारण सिर्फ इतना है कि जो आपके यहाँ के, जिनके पास ये सिद्धियाँ थीं, वैज्ञानिक विधियाँ थीं, योग विज्ञान से जुड़ी हुई, जो साधु महात्मा थे तथाकथित, माने जो एक निरहंकारता को प्राप्त नहीं हो पाए थे, उनको ये विज्ञान मिल गया। क्योंकि योग की यात्रा में विज्ञान अथवा सिद्धि पहले मिलता है और उसके बाद में फिर वो एक मोक्ष अवस्था के लिए या मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने इन सिद्धियों में महारत हासिल कर ली थी, उन्होंने उसका हस्तांतरण करना बंद कर दिया, माने साधु महात्माओं ने उसका हस्तांतरण करना बंद कर दिया। ऐसी विधि थी कि हम अपनी बात को कहीं भी पहुंचा सकते थे, सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये चीज़ हम किसी को बताएंगे तो हमारी पूजा बंद हो जाएगी, हमारा गुरुडम बंद हो जाएगा, हमारी महिमा ख़त्म हो जाएगी, हमारे अहंकार की पूर्ति के लिए भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि भीड़ बढ़ती है तो अहंकार को तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इन्हीं लोगों ने उसको छुपाया, लेकिन आज भी ऐसे गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जिनके पास में योग की वो विधियां हैं, जिन विधियों के अभ्यास करने से आप ये सारी प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं सांसारिक जीवन के लिए, दूसरों के हित में, परोपकार की दृष्टि से। तो यह गुरुडम ही था, ये उन महात्माओं की कमी थी, ये उन साधुओं की कमी थी, जो अहम शून्य होने से पहले जिनको ये सिद्धियां मिल गईं, उनको डर लगा कि अगर मैं इनका उपयोग करना, इनको उपलब्ध करना, अगर दूसरों को सिखाऊंगा तो मेरा वैल्यू, मेरी इम्पोर्टेंस, मेरी महत्ता, मेरी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए वो धीरे धीरे छुपाते चले गए। लेकिन आज जो भौतिक विज्ञानी हैं, आज हम जिस मोबाइल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ये जो वीडियो अपलोड होने जा रही है, जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, अगर ये विदेशी लोग भी, विदेशी वैज्ञानिक, जो भौतिक क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, अगर वो भी यही सोचते कि जो हमने मोबाइल बनाया है, ये टेक्नोलॉजी बनाई है, हम सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, हम देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, तो आपको पता है क्या होता। आज संसार के कल्याण के लिए, संसार के कम्युनिकेशन के लिए, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें उनका योगदान नहीं रहता। तो तुम्हारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, भारतीय महात्माओं, साधु महात्माओं ने
इस योग विज्ञान को छुपा करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है, दंडनीय अपराध किया है। प्रकृति उनको कभी क्षमा नहीं करेगी। इसीलिए जो ईश्वर ने आपको विज्ञान दिया है, योग विद्या दी है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिया है, कोशिश करें वो सही हाथों तक पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संकेतों के साथ मैं आज आपसे विदाई लेती हूँ, लेता हूँ। प्रणाम। ओ oh.